नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह, बिहारी न्यूज से। जी हाँ, आज हम बात करेंगे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, जिन्होंने सेल्स गर्ल से लेकर भारत के वित्त मंत्री तक का सफर तय किया है। नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में रक्षा मंत्री का दायित्व निभाने वाली निर्मला सीतारमण की एक बार फिर से वापसी हुई है। नरेंद्र मोदी की नई सरकार में उन्हें वित्त मंत्रालय जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिया गया है। बात करें हम निर्मला सीतारमण के पर्सनल लाइफ की, तो वो एक बेहद सरल परिवार से आती हैं। एक समय ऐसा भी था जब निर्मला सेल्स गर्ल की तरह काम करती थी। निर्मला का जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता भारतीय रेल में कर्मचारी थे। सीतारमण की पढ़ाई लिखाई तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से हुई है। उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है और जेएनयू से मास्टर्स की डिग्री ली है। निर्मला ने इंडो यूरोपियन टेक्सटाइल ट्रेड में भी पीएचडी कर रखा है। पढ़ाई के दौरान ही निर्मला ने लंदन में डेकोरेशन का सामान बेचने वाले शोरूम के सेल्स गर्ल की जॉब की। फिर उन्होंने कृषि इंजीनियर्स एसोसिएशन के लिए काम किया। कुछ समय तक वो बीबीसी के साथ भी जुड़ी रही। भारत वापस आने के बाद वो सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी में डेप्यूटी डायरेक्टर बन गई। निर्मला की राजनीति में आने की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। निर्मला के परिवार वाले और ससुराल वाले दोनों कांग्रेस के समर्थक थे, लेकिन जब 2008 में उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया तो वो भाजपा में शामिल हुई। 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। 26 मई 2014 को उन्हें मोदी सरकार में राज्य मंत्री का दायित्व दिया गया। 3 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मला सीतारमण को भारत की रक्षा मंत्री का दायित्व दिया। आपको बताते चले कि निर्मला सीतारमण भारत की प्रथम महिला पूर्णकालिक रक्षा मंत्री भी रही। निर्मला के कार्यकाल में ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के मामले को उठाया, जिससे मोदी सरकार की काफी फजीहत हो रही थी। निर्मला ने यहाँ भारत सरकार के रक्षा मंत्री के साथ साथ पार्टी के प्रवक्ता का भी रोल अदा किया और राहुल गांधी के आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। अब जबकि निर्मला देश की नई वित्त मंत्री नियुक्त की गई है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो भारत की हिचकोले खाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आएंगी। डॉलर के मुकाबले हमारे देश का रुपया मजबूत होगा और देश के युवाओं को नौकरी मिलेगी। धन्यवाद।